ये आप लोग को मालूम है कि आज का टॉपिक है एस्ट्रल ट्रैवल, और ये बुक आप लोगों में से कई लोगों ने पढ़ा होगा। लॉर्ड संग्रामपा की तुम शाश्वत हो, जिसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में मैंने। इस बुक में बहुत ज्यादा नॉलेज है। मैं चाहती हूँ कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें, तेलुगु में पढ़ना चाहें, कन्नड़ में पढ़ना चाहें, हिंदी में, ये चारों लैंग्वेजेस में इस बुक अमेजोन पे अवेलेबल है। तो आप बिल्कुल मंगाइए, पढ़िए, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि 57 ईयर्स पहले उन्होंने कितनी कुछ चीजें हमको देकर गए थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो या सेल्फ हिप्नोटिज्म हो, चाहे एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में हो। ऐसे तो जब से हम मेडिटेशन कर रहे हैं, एस्ट्रल ट्रैवल और एस्ट्रल बॉडी हम पूरे समय सुन रहे हैं, परंतु इस बुक में विस्तृत व्याख्या की गई है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भी बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि उनके रिसर्च के मुकाबले किसी ने भी अभी तक के रिसर्च नहीं किया है। ए पॉवेल की बुक है एस्ट्रल बॉडी, बहुत ही प्यारी बुक है, जिसको आज मैं दोपहर से पढ़ रही थी। मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं बस ऐसे ही जानना चाह रही थी कि थियोसॉफिकल थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुकी हूँ, परंतु पॉवेल वाली ये वाली बुक मैंने नहीं पढ़ा था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि टॉरकॉम भी एजी विजडम देता है और थियोसॉफिकल सोसाइटी भी, तो काफी अच्छा उसमें नॉलेज दिया हुआ है और इस बुक में भी है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ कि हम 7 बॉडीज हैं। अगर हम 7 बॉडीज हैं, तो हमारे पास एक फिजिकल बॉडी है, 6 बॉडी हमारी ऊपर में नहीं बैठी है, सातों के सातों हमारे साथ है। फिजिकल के अंदर 6 बॉडीज हमारी अविकसित अवस्था में रहती हैं। जैसे जैसे हमारा विकास होता है, हमारे सारी बॉडीज और रिफाइन होके मजबूत होते जाती हैं। एथरिक बॉडी जस्ट इसके बाद है, जो कि एनर्जी बॉडी है, ये सभी लोग जानते हैं, सिर्फ एनर्जी बॉडी है और उसका कोई शेप हमारे समानी रहती है अगर एथरिक बॉडी रहे, पर फिर भी वो पूरी एनर्जी ईथर के मैटर से बनती है। एस्ट्रल बॉडी जो तीसरे नंबर की है, वो एस्ट्रल मैटर से बनती है, और एस्ट्रल बॉडी बिल्कुल हमारे समान ही दिखेगी। नीता की एस्ट्रल बॉडी नीता के समान होगी, सुरभि की एस्ट्रल बॉडी सुरभि के समान होगी, कोई दूसरा शेप नहीं लेगा, बिल्कुल वही, ताकि जब हम ट्रैवल करें तो हम अपने जिनसे भी मिल रहे हैं वो हमको पहचान सके। तो ये एस्ट्रल बॉडी बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसे हम हैं। मेंटल बॉडी कई लोगों की विकसित नहीं होती है, जिनके विचार अशुद्ध हैं, जो बहुत ही ड्रग्स या बुरे विचारों के साथ, दुर्भावनाओं के साथ जीता है, उनकी मेंटल बॉडी बिल्कुल फॉगी टाइप की, बिल्कुल एक धुंधली टाइप की रहती है। जैसे जैसे हमारे विचार उच्च होते जाएंगे, हम पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे, तो हमारी मेंटल बॉडी अच्छी शेप में आती है। उसके बाद हमारी कॉजल बॉडी, जो हमारा परमानेंट होम है। तो ये जो 5 बॉडीज हमारे हाथ में है, जिनका विकास हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो बुद्धिक और निर्वाणिक बॉडी है, वो तो सभी की सेम है, और वो वहां पर टच करने के लिए बहुत जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है। तो रामपा ने बताया कि जैसे हमारी बॉडीज हैं, तो कई लोगों के मन में एक ख्याल आएगा कि हमारे अंदर बॉडीज कैसे होगी, क्योंकि हम तो स्टिफ है, हम ठोस है, तो ये ठोस बना भी सिर्फ हमारा इल्यूजन है, जो ह्यूमैनिटी पे जो वेल चढ़ जाता है उसके बाद, बाकी हम टोटली एनर्जी हैं। और जो बाकी की बॉडीज हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो इतने डिस्पर्स्ड हैं कि वो एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए हमारे सब के सब एक ही बॉडी में रहते हैं। जैसे इस पानी के ग्लास में अगर मैं नमक डाल दूंगी, शक्कर डाल दूंगी, तो वो घुलते जाएगा, क्योंकि शक्कर के और नमक के मॉलिक्यूल्स बहुत डिस्पर्स्ड हैं, पानी के उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही बाकी बॉडीज भी हमारे साथ एडजस्ट हो जाती हैं, और हर बॉडी का एक वर्ल्ड होता है। एथरिक बॉडी का एथरिक वर्ल्ड है, फिजिकल बॉडी का तो हम देखते ही हैं, एस्ट्रल बॉडी का एस्ट्रल वर्ल्ड है, जिसके बारे में बहुत 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 चर्चाएं हो चुकी हैं। मेंटल बॉडी के लिए मेंटल वर्ल्ड है,
कभी भी एस्ट्रल बॉडी मेंटल वर्ल्ड में प्रवेश नहीं करेगी। मेंटल बॉडी कभी भी क्या बोला कि एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश नहीं करेगी, मतलब हर एक का अपना एक सब्सटेंस है और अपने अपने वर्ल्ड है। तो जब भी हमारी मृत्यु होती है तो हम सबसे पहले अपनी फिजिकल बॉडी यहाँ छोड़ते हैं। सबसे पहले क्या हमारी फिजिकल बॉडी यहीं छूटती है, उसके 3 दिन के अंदर हमारी एथरिक बॉडी भी डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो प्योर एनर्जी है, दिखती नहीं है, पर जो क्लियर पॉइंट है वो बाकायदा देखेगा कि अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे सूखता है, बिल्कुल हमारा भी वो एथरिक बॉडी अलग हो गया है और एस्ट्रल बॉडी रिलीज होने के लिए तैयार हो गई है। सिर्फ क्लियर पॉइंट हम मतलब ऑर्डिनरी लोग नहीं देख सकते। तो एथरिक बॉडी यहीं पे ही हमको पृथ्वी पर ही छोड़ के जाना रहता है। तो यदि मान लीजिए कोई बहुत एनर्जेटिक रहा, बिल्कुल स्वस्थ रहा, तो उसकी बॉडी और काफी टाइम तक के रहेगी। कहा जाता है कि कब्रिस्तान में कई लोगों को नीले रंग की जो रोशनी दिखती है वो इसी नवमृत, जो अभी अभी जिनकी मृत्यु हुई है उनके जो कब्र को दफना देते हैं उनके ऊपर वो एथरिक चार्ज तैरते रहता है ब्लू कलर से, क्योंकि एथरिक बॉडी का कलर ब्लू कलर का रहता है। तो लोग सोचते हैं कि वो भूत है, प्रेत है, जबकि वो एथरिक चार्ज है ओनली उस सोल का, हम सब का है। हम भी जब जाएंगे तो अपने फिजिकल एथरिक बॉडी को छोड़ के जाएंगे और हमारा जो हमारी जो सोल है, जो हमारा लोअर सेल्फ है, वो सोल एस्ट्रल बॉडी में एक व्हीकल के रूप में आगे की यात्रा करेगा। अब हम मरने के बाद तो जाते हैं, उसको मैं लास्ट में बताऊंगी जो टॉर्कम ने बताया है। अभी हम पहले जो अभी हम रोज कर रहे हैं एस्ट्रल ट्रैवल, उसके बारे में बात करेंगे। तो रोज जब हम रात को सोते हैं हमारी फिजिकल बॉडी को ही सिर्फ आराम करने की जरूरत है, बाकी किसी भी बॉडी को रेस्ट की, फूड की जरूरत नहीं होती, न ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हमारा शरीर जब थक जाता है तो हम सो जाते हैं, पर हमारी एस्ट्रल बॉडी डेली रोज रात को बाहर जाती है हमारे शरीर को छोड़कर, मनोरंजन करने के लिए जाती है, ज्ञान लेने के लिए जाती है, हीलिंग के लिए जाती है, या कोई प्रियजन जो मृत हो गया है उनसे मिलने जाती है, बहुत बहुत से काम करते हैं। पर जो सर्विस में रहते हैं वो अपनी क्लासेस भी लेने जाते हैं। तो हम नींद में तो करते हैं पर वो हमको बेहोशी रहती है, उस समय हम सोते रहते तो हमें याद भी नहीं रहता कि हम कहाँ कहाँ गए थे। पर जब आप मेडिटेशन करते हैं शुरू के कुछ मिनटों के बाद, यदि आप नो माइंड स्टेट में जाते हैं, जब आपके विचार बिल्कुल आपका लॉजिकल माइंड शांत हो जाता है, उस समय आपकी बॉडी निकल कर बहुत जगहों पर जाती है। कई बार आप डेली भी जा सकते हैं एस्ट्रल ट्रैवल करने के लिए ड्यूरिंग मेडिटेशन, नींद में तो होता ही है पर मेडिटेशन के टाइम में भी हमारी बॉडी निकलती है। और हमको बचपन से क्या सिखाया गया है कि जो भी हम नींद में देखते हैं वो सपने हैं, तो हमने हर चीज को सपना मान लिया। ये हमारी बोलते ना, मैं हमेशा अपनी एजुकेशन सिस्टम को चिल्लाते रहती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है कि यदि मैं मेडिटेशन नहीं करती तो मुझे मालूम ही नहीं चलता कि मैं नींद में क्या कर रही हूँ। मतलब सोचिए, जो बेसिक चीजें हैं वो ना हमारा धर्म सिखाता है, ना हमारा स्कूल सिखाता है, हमको सिखाता है PSSM। ये गलत है कि नहीं है? हमारी ये बेसिक चीजें तो हमको मालूम चलनी चाहिए, इसीलिए आप पहले से ही बच्चों को सिखाइए। तो रामपा जी ने कहा कि हमको हर चीज सपने के रूप में हम रैशनलाइज कर लेते हैं, जबकि हम कितने लोगों से, जैसे कई बार आप लोग सुबह उठते हैं तो आपको किसी की याद रहती है, जैसे मान लीजिए आपके कजिन है, बहुत दूर है, आपको बहुत प्यार करते हैं, आप भी अपने कजिन को प्यार करते हैं, आपको सवेरे एक हल्की सी इम्प्रिंट रहती है, एक छाप रहती है कि वो मेरा कजिन से मैं मिला है ना, तो आपको क्या लगेगा कि अरे मैं तो उससे सपने में जाके मिला, पर वो सपना नहीं होता है, वो होता है हमारा एस्ट्रल ट्रैवल। क्योंकि कैसे डिफरेंस करें हम अपने एस्ट्रल ट्रैवल और अपने सपने में, आपको इम्प्रिंट्स याद रहेंगे उस व्यक्ति के जिससे आप मिलके आए हैं, दूसरे
ऐसे कलर्स आपको याद रहेंगे जो पृथ्वी पर आपने नहीं देखे थे, ऐसी आवाजें जो आप वहां पर सुन के आती हैं, वैसी आवाजें कोई भी रहमान के या किसी के भी एल्बम में आपने नहीं सुनी थी। तो अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। मैं आवाजें कभी नहीं सुनी हूँ, न कलर्स मुझे याद है, पर हाँ बहुत सी चीजें याद रहती हैं मुझे। तो हम सोच ही नहीं पाते कि हमारा वो एस्ट्रल ट्रैवल है। तो रामपा बोलता है अपने ऊपर विश्वास करो कि आप एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हो, डेली कर रहे हो। वो मेडिटेशन का बहुत जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि शायद 57 इयर्स पहले इतना ज्यादा मेडिटेशन का नहीं था और वो लामा थे, तो एक दो जगह उन्होंने जिक्र किया, बाकी पूरे टाइम वो उन्होंने अलग अलग तरीके से एस्ट्रल ट्रैवल करना सिखाया है। पर मैं उनको भी जरूर बताऊंगी ताकि आप लोगों को मालूम रहे कि कैसे टेक्निक होती है। तो उन्होंने कहा कि आप कॉन्शियसली भी एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। अब वो लोग, हम करते ही हैं बेहोशी में, चलो करते हैं, तो क्या जरूरत है हमको कॉन्शियसली करने का। तो रामपा जी कहते हैं कि आप पृथ्वी का सबसे छोटा भाग, इस अस्तित्व का एक छोटा सा भाग देखते हैं। अस्तित्व इतना बड़ा, इतना सुंदर है, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, जो आपके एक्सपीरियंस आपके प्राण पोषक हैं। आप उससे बहुत ज्ञान ले सकते हैं, अपने लाइफ के पर्पस को जान सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं, और किसी से मिलने की इच्छा हो तो व्हाट्सएप की भी क्या जरूरत है, वीडियो कॉल करने की भी क्या जरूरत है, सीधा पहुंच जाओ। ठीक है, वो आपको नहीं देख पाएगा क्योंकि आप एस्ट्रल बॉडी में है, पर आप उसको देख पाएंगे। तो मुझे लगता है मैं अपने बेटे के पास काफी जाती हूँ यूएस, और उसको मिल मिल के आती हूँ, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने बच्चों से मिलने, अपने क्लोज रिलेटिव, अपने क्लोज फ्रेंड लोगों से मिलने न जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और यदि आपका मन है किसी पर्टिकुलर फ्रेंड, पर्टिकुलर अपने रिलेटिव से मिलने का, तो रामपा ने कहा है कि उसके फोटो को देखिए रात को सोने के पहले, बहुत अच्छे से देखिए, गौर से देखिए, और सो जाइए। आपको गारंटी है कि आप उनसे जाके जरूर मिलेंगे, चाहे कॉन्शियसली याद नहीं हो, पर आप मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आप कॉन्शियसली करिए, आप बहुत सी चीजें एक्सपीरियंस करेंगे, जो मैंने कहा कि आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, मनोरंजन भी होगा, और नई नई दुनिया भी देखेंगे। सिंगापुर जो नहीं जा पा रहा है वो सिंगापुर भी जाके देख सकता है। तो उन्होंने कहा कि दो ऑब्स्टिकल हैं जो हमारे को बाधा पहुंचाते हैं कॉन्शियसली एस्ट्रल ट्रैवल करने से। तो उन्होंने कहा पहला तो है सबसे मुझसे मिलने आप लोग इसी में आ जाना है एस्ट्रल ट्रैवल में, ठीक है, आज रात को अपन मिलते हैं इसी ड्राइंग रूम में, इसी ड्राइंग रूम में बस कॉफी ऑफी बना के बैठेंगे, कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं, यहीं पे ही, ठीक है। सोती करीब 2 बजे हूँ, तो 2 बजे के बाद मिलते हैं आज, ठीक है। तो उन्होंने कहा पहला तो है आपको डर लगता है, सिर भी तो आ रही है, माई भी आ रही है, ठीक है, माई तुम तो वैसे ही मिल चुके हो। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो इंसान डरता है। डरता क्यों है, क्यों उसको लगता है, क्योंकि हमारी जो 7 बॉडीज हैं सभी सिल्वर कॉर्ड से जुड़ी हुई हैं। आप सब जानते हैं, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं बताया, सिल्वर कॉर्ड एक हाई वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स का एक रहता है, तो उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, परंतु जब हम एस्ट्रल बॉडी में जाएंगे, मतलब एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे, तो हम अपनी कॉर्ड को देख पाते हैं जो हमारी नेवल से जुड़ी रहती है। तो हाँ, तंतु है वो सिल्वर कॉर्ड, तो वो हमारे रहते हैं। मैं क्या बता रही, हाँ, कई लोगों को ये डर लगता है कि कोई मान लो सिल्वर कॉर्ड काट देगा तो कहीं हम ट्रैवल करने चले गए नीता मैम के कहने पे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और कहीं वापस नहीं आ पाए, तो हमको कैसे मालूम चलेगा हम वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, या कोई दूसरी आत्मा हमारे शरीर में तो नहीं घुस जाएगी। तो फ्रेंड, कभी भी जब हम एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं तो हमारी पूरी 100% बॉडी एस्ट्रली नहीं जाती है, कुछ परसेंटेज हमारे बॉडी में रहती है। यहाँ पे मैंने अभी पॉवेल की बुक पढ़ रही थी, तो मैंने बहुत अच्छी चीज एक पढ़ी, मैं अभी बता दे रही हूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, उस समय नहीं बताती हूँ ना, मैं बाद में भूल जाती हूँ। उन्होंने कहा है कि अपने सोने वाली जगह को ना आप बहुत साफ सुथरा और अच्छा करके रखा करिए, पॉवेल ने कहा है ना, रामपा ने नहीं, क्योंकि जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करने जाते हैं तो हमारी काफी वैकेंसी, मतलब एक वैकेंट हो जाता है, वॉइड हो जाता है हमारे इसमें, क्योंकि कुछ तो खाली होगा ना एस्ट्रल बॉडी जा रही है, तो हमारे जो आसपास की जो कचरा है या गंदगी है या जो भी चीजें हैं वो सब्सटेंस बनाती है एस्ट्रल
बॉडी के लिए, तो वो आपको लो फील होगा या कुछ भी समझाइए। मैंने अभी अच्छे से नहीं पढ़ी है, मैंने सिर्फ एक रीड कर रही थी आज दोपहर से, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी वाली पॉइंट कि आप अपने रूम को सबसे बेहतरीन करके रखा करिए। तो रामपा जी ने कहा पहला डर। अच्छा, मेरे को एक और एक पॉइंट याद आ रहा था इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आया तो बताऊंगी। हाँ, ये वाली बात बता रही थी, जिनके बच्चों के पढ़ाई में कमजोर है ना, क्योंकि मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे लगता है मैं सारा दिन बुक्स पढ़ते रहूँ। एक बहुत अच्छी टॉरकॉम की ही बुक मैंने पढ़ा, नहीं लजरेव की बुक में मैंने पढ़ा है कि एक सूडो रीडिंग भी होती है। जैसे मान लीजिए आपको ये रामपा की बुक नहीं समझ में आ रही है, तो आप रात को सोते समय उसको अपने बगल में रख दीजिए। लजरेव कहता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस बुक को पूरा पढ़ लेता है। यदि आपके बच्चों को कोई सोशल स्टडी याद नहीं होती है, तो आप ट्राई करके देखिए। मैंने अभी सिर्फ पढ़ा है, मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, कोई थियोसॉफिकल बुक रख के देखूंगी मैं 10-15 दिन। तो उन्होंने कहा कि हम जब सोते हैं तो हमारे बगल में जो बुक रहती है उनके भी इम्प्रिंट हमारी सबकॉन्शियस माइंड लेती है। तो अपने बच्चों में ट्राई करिएगा। तो डर जो है वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि कोई दूसरी सत्ता आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर देगी। ओशो ने कहा था, फिर मैं डिग्रेस हो गई, क्या है रामपा के साथ रह रहे के ना मैं भी बहुत डिग्रेशन सीख गई हूँ, अपने विषय से हट जाती हूँ बिल्कुल। जैसे इन्होंने लजरेव ने बुक रखने के लिए कहा ना, वैसे ही ओशो कहता है सूडो रीडिंग और होती है, सूडो लर्निंग, वो सूडो लर्निंग बोलते हैं। जैसे किसी बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, तो जब वो नींद में रहे तो आप टेप लगा के उसके बगल में रख दीजिए और स्लो वॉल्यूम में वो फॉर्मूलेज बोले। आपको नहीं बोलना है, आप क्यों मेहनत करेंगे रोज रोज, वो रोज रात को उसका वो टॉपिक या जो भी उसको नहीं याद हो रहा है उसको लगा के छोड़ दीजिए स्लो वॉल्यूम में। आपको लगेगा बहुत धीमी आवाज है, पर बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड वो सारे नॉलेज को लेगा। तो देखिए ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, बिकॉज वी आर एनर्जी बींग्स, तो हम लोग बहुत सी चीजें कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को नहीं जानते हैं। अब डिग्रेशन खत्म। तो कोई भी आपकी सत्ता नहीं आ सकती, आपके बॉडी में एंटिटी नहीं आ सकती, कोई कॉर्ड नहीं तोड़ सकता, और कभी आप खो नहीं सकते, कितना भी दूर चले जाएं, स्पेस में चले जाएं, दूसरे लोक में चले जाएं, पर आप अपने पास आ जाएंगे, कोई भी आपको खतरा नहीं है। दूसरा जो ऑब्स्टिकल है वो है हमारे विचार, हमारी बुद्धि, क्योंकि बचपन से हमको सिखाया नहीं गया, हमको बताया नहीं गया कि हम एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते, तो विश्वास करना मुश्किल है, कैसे कॉन्शियसली करेंगे। पता नहीं, शायद बोलते हैं मेडिटेशन में बॉडी कहीं जाती होगी, हमें नहीं मालूम, पर हम विश्वास नहीं करते हैं, और अपने व्यर्थ की चीजों में हम लोग अपने माइंड को बिजी करके रखते, परंतु हम विश्वास इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसे की गई है। रामपा ने जिक्र किया है कि जैसे छोटे बच्चे नेचर स्पिरिट्स देख सकते हैं, फेरीज देख सकते हैं, पर कोई नहीं मानता। छोटे बच्चे अगर मान लो कोई इनविजिबल फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि क्यों खेल रहे हो, क्या है, कोई नहीं है तुम्हारा फ्रेंड में, क्योंकि हमको फिजिकली वो नहीं दिख रहा। पर उस 5 साल के अंदर के बच्चों को वो एंजल्स, वो फेरीज, वो नेचर स्पिरिट दिखते हैं। तो यदि आपके घर में कोई छोटे बच्चे हो, जैसे मेरा ग्रैंडसन है, हम बिल्कुल मना नहीं करते, वो खेलता रहता है, पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है किसी किसी के साथ, हमको लगता है कि कोई है उसका फ्रेंड और हम उसको खेलने देते हैं। क्योंकि मैंने अपनी डॉटर को भी बताया कि बिल्कुल भी आपको नहीं मना करना है, नहीं तो उनका और नेचर स्पिरिट्स का कनेक्शन कट जाएगा, और एक बार कनेक्शन कट गया तो ना उनसे हीलिंग मिलेगी ना उनसे नॉलेज मिलेगा, और नेचर स्पिरिट्स हमको बहुत नॉलेज दे सकते हैं। तो ना आपको डरना है, ना ही आपको अविश्वास करना है। और हमारे थॉट्स कहाँ हैं, जहां पे भी हम फोकस करते हैं उसी तरफ हमारे थॉट्स जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई एनिमल के बारे में सोचेंगे, एक डॉग के बारे में, तो डॉग से रिलेटेड 1000 विचार आएंगे आपके पास, है ना। जहां पे भी हमने कॉन्सेंट्रेट किया उसी तरफ हमारा पूरा एनर्जी चली जाती है। तो इस सूत्र को रामपा ने कहा आप यूज करिए कि विचार वहां है जहां हम अपने ध्यान केंद्रित करते हैं। तो शॉर्ट में ही बता रही हूं आप लोगों को कि हमको ये वाला सूत्र को अप्लाई करना है। आपको बिस्तर पर लेट जाना है अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसके बाद मैं और आपको अच्छे से डिटेल में एक्सपेरिमेंट बताऊंगी। अभी मैं हल्का सा बता रही हूं कि जब भी आप कोई भी
स्पिरिचुअल स्किल को आप अपने में कल्टीवेट करना चाहते हैं, तो रामपा जी बोलते हैं कि आपको 3-4 दिन पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना चाहिए। एफर्मेशन हम सोचते हैं कि फालतू है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो बोलते हैं एफर्मेशन सदियों से चलता आ रहा है, पर हम अभी भूल गए हैं कि एफर्मेशन के द्वारा हम अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो यदि मान लीजिए मंडे को मुझे वो करना है, एस्ट्रो ट्रैवल ट्राई करना है कॉन्शियसली, ना रोज तो कर ही रही हूँ पर कॉन्शियसली करना है, तो 5-4 दिन पहले से मैं अपने आप को अफर्म कर करके सुनाऊंगी, बोलूंगी कि मैं मंडे को रात के 12 बजे एस्ट्रल ट्रैवल के लिए जाऊंगी और मैं पूरी जागरूक रहूंगी, मैं पूरी सचेत रहूंगी कि वहां पे क्या मैं देख रही हूँ, क्या समझ रही हूँ, और जब मैं वापस आऊंगी अपने शरीर में तो मुझे वो याद रहेगा और मैं इसमें सक्सेस होंगी। आप इसको 3 बार बोलिए, वो 3 बार हमेशा बोलते हैं बोलने के लिए, इसलिए कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको क्या लगता है, हमारा कॉन्शियस माइंड बकबक बकबक करते रहता है पूरे समय, तो विचार कर ही रहा है, तो एक बार में वो ध्यान नहीं देता, दूसरी बार में थोड़ा सचेत होता कि क्यों बोल रहा है ये, तीसरी बार में सबकॉन्शियस माइंड इसको रिकॉर्ड करता है। तो 3 बार आपको इस एफर्मेशन को पूरे दिन भर में 3 बार बोलना है, सुबह दोपहर शाम कभी भी आप टाइम चूज कर लीजिए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से तैयार हो जाए एस्ट्रल ट्रैवल के लिए। पर आपको बिस्तर पर लेट जाना है, बिल्कुल आराम से, पैरों को क्रॉस नहीं करना, जैसे हम पैरों को क्रॉस करते हैं वैसे नहीं करना, क्योंकि जब हमारी एस्ट्रल बॉडी कॉन्शियसली जब हम जाएंगे और आएंगे तो उस समय प्रॉब्लम कर सकती है, तो क्रॉस नहीं करना है, अपने बिस्तर में एकदम आरामदायक स्थिति में रहना है, कहीं पे भी कोई किनारा वगैरह नहीं हो, और आप जैसे हमने कहा विचार जहां है जहां पे हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, तो आप अपने पूरे फोकस को जब लेट जाए आंखें बंद कर लें, अपने पूरे शरीर को शिथिल होने पे और 6 फीट की दूरी पे आंख बंद में ही अपनी माइंड आई के द्वारा आप इमेजिन करिए कि आपकी एस्ट्रल बॉडी आपके ऊपर तैर रही है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप एक समझ लीजिए आप रबर के गुब्बारे के अंदर हैं और आप अपने को पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस से होगा, तो आप पुश कर रहे हैं और इमेजिन करना है कि 6 फीट के ऊपर आपकी एस्ट्रल बॉडी फ्लोट कर रही है। तो उन्होंने कहा अचानक सडन आपकी बॉडी में से वो बॉडी निकलेगी, क्योंकि रोज रात को निकल रही है, उसके लिए कोई नई चीज नहीं है, पर वो पहली बार आप कॉन्शियसली कर रहे हैं तो आपके लिए डिफिकल्टी लग रही है, बाकी एस्ट्रल बॉडी के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं, एस्ट्रल बॉडी तत्पर रहती है छोड़ के जाने के लिए, इतनी फिजिकल बॉडी से परेशान रहती है। तो बोले आप तुरंत तैरने लग जाएंगे अपने बॉडी के ऊपर, आप गिरेंगे नहीं, डरना नहीं है, अगर आप डर गए तो आप तुरंत अपनी फिजिकल बॉडी में रील इन हो जाएंगे, फिर से लपेट लेंगे अपनी अपनी फिजिकल बॉडी में और अपने को देखें, बोलते हैं जैसे हम अपनी टेप में आवाज सुनते तो हमको लगता है ना ये मेरी आवाज नहीं है, ये किसी और की। बोले जब आप पहली बार देखेंगे तो आप खुद को नहीं पहचानेंगे कि आप हैं, क्योंकि हम मिरर में रोज जरूर देख रहे हैं पर मिरर हमको कुछ डिस्टॉर्शन के साथ दिखाता है, हमारा जो कलर है, हमारे जो फीचर्स है, हमारे जो रिंकल्स है, हमारे जो स्केल्स है, जो जो भी चीज है वो आपको क्लियर दिखाई देगा। बोले आप डर जाएंगे अपने आप को, आपके अहंकार को भी चोट लगेगी कि मैं तो बहुत सुंदर थी, ये यहाँ पे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ। अब उसके बाद आपको किसी भी, पहले आप कमरे में घूम लीजिए, क्योंकि आप पहली बार निकले हैं अपने बॉडी से, तो कमरे में घूम के अपने को अभ्यस्त कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और यूज टू कर लीजिए उसमें। उसके बाद आप ऐसे एक फ्रेंड को या रिलेटिव को चुनिए जो आपके घर के ज्यादा दूर नहीं रहता, वो ऐसा नहीं यहाँ से 25 किलोमीटर डिस्टेंस मायने नहीं रखता, पर वो एक रीजन के लिए बोल रहे हैं, पास में रहता हूँ और जहां पे आप जाते हो और उससे आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो, इंटीमेट हो आपका फ्रेंड या रिलेटिव। अब आप उसको, आप जब निकल जाएंगे, आप अपनी बॉडी को भी देख लिए, अपने रूम में भी थोड़ा सा घूम लिए, थोड़े यूज टू हो गए, तो हमारे जैसे फिजिकल ब्रेन होता है वैसे एस्ट्रल में भी उसका ब्रेन होता है, सभी 7 बॉडीज है हमारे, मतलब सोचने की क्षमता रहती है उनको,
तो उस समय आपको अपने उस फ्रेंड को याद करना है जो ज्यादा दूर नहीं रहता हो, और याद करिए उसके चेहरे को और किस रोड से आप उसके घर जाते थे। बस आपको सोचना है आप एक कार से भी फास्ट उसके घर में आप पहुंच जाएंगे और आप देख लेंगे कि वो क्या कर रहा है। अब आपको लगेगा कि हम पहुंचा तो दी नहीं था मैम, वापस कैसे आएंगे। तो बिलीव बिल्कुल यही टेक्निक आपको लेनी है कि जब आप पहुंच जाते हैं वहां पर तो फिर से अपने शरीर को, अपने घर को याद करिए कि मुझे अपने शरीर में जाना है। बस सोचना है आपको और आप तुरंत वापस आ जाएंगे अपने बॉडी के अंदर, विचार की तेज गति से भी। और अगर आपको लग रहा है कि यदि मान लो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे पता कैसे चलेगा मैं इतनी दूर हूं, तो रामपा जी बोलते हैं कि जब आपकी बॉडी के पास कोई आएगा, कोई भी हार्म करने या कोई आवाज ही देगा, नीता नीता, तो चाहे मैं 25 किलोमीटर की दूरी पे रहूं, मेरा फिजिकल बॉडी सिल्वर कॉर्ड के द्वारा वो अलार्म मुझे भेज देगा कि समवन इज कॉलिंग, या मुझे कोई खतरा होगा मेरी बॉडी के पास में, कुछ कुछ भी होगा तो तुरंत मुझे अलार्म पहुंचेगा और मैं तुरंत एक सेकंड में वापस आ जाऊंगी। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है और वापस आ जाना है, और जब वापस आएंगे तो बिल्कुल अपनी बॉडी के ऊपर तैरते रहिए और अपनी बॉडी के साथ बिल्कुल अच्छे से उसमें प्रवेश करिए। हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसका एक वाइब्रेशन है, और जो एस्ट्रल बॉडी है उसका एक वाइब्रेशन है। एस्ट्रल बॉडी का वाइब्रेशन ज्यादा है और हमारी फिजिकल का कम है। तो जब एक फिजिकल बॉडी में झटके से कोई एस्ट्रल बॉडी घुसती है तो माइग्रेन या सर दर्द हो सकता है। कभी कभी डर के मारे वापस आ गए, एकदम डर गए, एकदम बॉडी के अंदर चले गए कि माय गॉड मैं मर तो नहीं गई, तुरंत चले गए अंदर। तो बोले वो अलाइनमेंट भी नहीं होएगा और आपके वाइब्रेशन के डिफरेंस के कारण माइग्रेन और सर दर्द होगा। तो आपको फिर से या तो फिर से एस्ट्रल ट्रेवल करिए, और अगर नहीं कर सकते तो सो जाइए, खुद ही वो बॉडी निकल के आपकी फिर से वो सेवन चक्रास के साथ जो पूरी अलाइन होती है, अलाइनमेंट होता है, वो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेंड्स, जैसे हम हमेशा बोलते हैं एज अबव सो बिलो, जैसे यहाँ है वैसे वहां है, सब कुछ वहां पर भी है पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस भी है। तो उन्होंने कहा कि जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे शुरू शुरू में, जब पहली दूसरी बार, चलिए अभी तो फ्रेंड के यहाँ गए पर और भी कहीं आप जा सकते हैं, पहाड़ के पास या सिंगापुर जाने का मन हो गया, चलिए सिंगापुर चलते हैं, कहीं पे भी जाने का मन हुआ। तो जब हम आकाश की तरफ उड़ते हैं तो कई बार हम लोअर एस्ट्रल वर्ल्ड में भी जाते हैं। ऐसे मोटा तौर पे तीन एस्ट्रल वर्ल्ड बोलते हैं, लोअर, मिडिल एंड अपर, पर पॉवेल ने सेवन सब प्लेन में बांटा है, तो हम सेवन तक के नहीं जाते हैं, हम तीन में ही संतुष्ट हैं। तो लोअर एस्ट्रल प्लेन में एलिमेंटल्स होते हैं। एलिमेंटल्स कौन है? जैसे हमारे नेचर स्पिरिट्स हैं, मरमेड है, अच्छी अच्छी चीजें हैं, वैसे ही कुछ बुरे तत्व भी होते हैं जिसको तात्विक कहा है उन्होंने हिंदी में, मतलब मैंने ट्रांसलेट किया है एलिमेंटल्स का। वो जैसे पुराणिक कथाओं में नहीं रहते थे राक्षस, वन देवता, जो किंवदंतियों के लेखकों ने कभी देखा होगा, जो लिखते ना पुराने जो कथाएं चलती आ रही हैं राक्षस और उन सब की, तो वैसे ही दिखते हैं। मेरे पास वो पीपीटीज नहीं है, मेरे मिसप्लेस हो गए, नहीं तो आज मैं बहुत दिखाना चाह रही थी। तो वो एलिमेंटल्स आपको दिखेंगे, वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एथरिक बॉडी के बने हैं, उसमें सोल नहीं है, वो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, एक आत्मिक विकास के एक प्रथम चरण में है। धीरे धीरे वो या तो जानवर बनेंगे या इंसान बनेंगे, पर उनके में एथरिक बॉडी है सिर्फ, और कई कई थॉट फॉर्म के हैं। तो आप समझ लीजिए कोई एलिमेंटल्स होते हैं जो डरावने हैं, वो आपके पास आ जाएंगे। जैसे हमारे लिए मनोरंजन होता है ना, कोई की कोई नौ सिखिया कार चलाता है और गाड़ी से टकरा जाता है, तो हम मजे से सब लोग घेर के खड़े जाते हैं, अच्छा कार हो गई, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, हम एंटरटेनमेंट करते हैं ना, मतलब मजाक कर रही हूँ, एग्जाम्पल दिया है ना रामपाल, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो जैसे हम लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, बंदर लोग आके, शरारती लोग हमको मस्ती करेंगे, हमारे से हाथ छीन, हमारे हाथ से खाना छीन के भाग जाएंगे, ये सब जो बंदर लोग करते हैं। तो बोले जो बंदर की पोजीशन है पृथ्वी पर, सेम एलिमेंटल्स की वही पोजीशन है एस्ट्रल वर्ल्ड में, वो बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो एथरिक बॉडी के बने हैं, आपको बिल्कुल एस्ट्रल बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ वो आपको डराएंगे।
आप जब तक के डरेंगे तब तक के वो आपके चारों तरफ घेर के खड़े रहेंगे, पर आप नहीं डरेंगे तो वो भाग जाएंगे। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि आप बिल्कुल भी मत डरिए, आपको कुछ भी नहीं होगा, फिर आप आगे मूव करिए। अब हम मिडिल एस्ट्रल वर्ल्ड में गए रामपा के अनुसार, है ना, अब मिडिल एस्ट्रल वर्ल्ड में गए। इन्होंने हाई एस्ट्रल वर्ल्ड का नहीं बताया, पर मैं बता दूंगी। मिडिल एस्ट्रल वर्ल्ड में आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके मृत जो भी परिजन हैं, जो डिपार्टेड हो गए हैं, उनसे आप मिल सकते हैं। और हम रोज मिलते हैं, रोज मिलते हैं नींद में, पर आप इस समय कॉन्शियसली मिलेंगे, बाकायदा बातचीत कर सकते हैं उनसे, तो आप मिडिल वाले में इनसे जाके करेंगे। हम सिर्फ इसलिए रात को सोकर वापस नहीं याद करके आ पाते क्योंकि हमारी एस्ट्रल बॉडी प्योर नहीं है। थियोसोफिकल सोसाइटी भी बार बार प्योरिटी के ऊपर बोलते हैं। रामपा ने भी कहा है कि जिन लोग बहुत ही ब्लेस्ड सोल्स होती हैं, वो अपने पूरे ज्ञान, पूरे अनुभव को याद करके लेकर आती हैं। तो हमारी एस्ट्रल बॉडी में क्या फालतू की चीजें हम खाते हैं, बहुत हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं। ये थोड़ी मैं बोलूंगी कि मेरे पास कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, सबके हैं। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, उनकी एस्ट्रल बॉडी बहुत ही डैमेज होती है। तो जब तक पूरी तरीके से नहीं होएंगे शुद्ध, तब तक के हम उसके पूरे मेमोरी को नहीं ला सकते, पर कॉन्शियसली एस्ट्रल ट्रेवल करने पे आप याद करके ला सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, पर अपने सिंक्रोनाइज तरीके से जुड़ने की चीजों को हमेशा याद रखिए और एफर्मेशन बोलिए। उन्होंने एक एग्जांपल देकर पूरा बताया है, जिसको मैं सिर्फ 2 मिनट में शॉर्ट में बताऊंगी कि जिस दिन भी आपको करना है उस दिन आप किसी से भी बहस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एस्ट्रल ट्रेवल कॉन्शियसली करनी है, शांत रहना है आपको, और एफर्मेशन तो आप 4-5 दिन से कर ही रहे हैं। उस दिन आप हल्का खाइए, उस दिन आप एकदम ढीले ढाले कपड़े पहनिए। लाइट्स को बंद करने के पहले जिस भी फ्रेंड को के पास या रिलेटिव के पास जाना है, उसका फोटो बहुत अच्छे से देखिए, उससे इजी पड़ेगा। रूम का टेम्परेचर भी सही रखिए, और जैसे मैंने बताया कि आपको सोकर बिल्कुल अपने पूरे शरीर को शिथिल करके फिर वैसे ही विजुलाइज करना है कि एस्ट्रल बॉडी निकल गई। तो ये हमारे बार बार प्रैक्टिस करने से बकायदा आपकी बॉडी निकलेगी। ज्यादा खाने के लिए इसने मना किया है कि जो मोटे होते हैं और जो काफी उग्र विचार के होते हैं, उनके लिए एस्ट्रल ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। रामपा ने कहा कि कई लोग तो ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनसे उनको इनडाइजेशन हो जाए, क्योंकि जैसे इनडाइजेशन होगा एस्ट्रल बॉडी निकल के भागना चाहेगी, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी की पेन और सफरिंग से बिल्कुल परेशान हो जाती है। हमारे जो तिब्बत के और इंडिया के जो बड़े बड़े सेंट हैं, उन लोग सबसे कम खाते हैं। क्यों कम खाते हैं? सिर्फ इसलिए नहीं कि योगी है तो उनको कम खाना चाहिए, वो इसलिए खाते हैं कम ताकि वो जब भी चाहे तुरंत एस्ट्रल ट्रैवल कर ले, क्योंकि उनको ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम करना है। तो वो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं, उतना खाते हैं जितने तक के वो जिंदा रहे, और जब भी आंख बंद करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तुरंत एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं और वहां से बहुत ज्ञान लाते हैं। आप बताइए, अभी हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो मार्स पे जीवन है, यहाँ पर ऐसा है, इतनी गैलेक्सी अभी बता रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि, कितने योगी लोग, कितने हजारों साल पहले सब कुछ हमको बताए हैं। ऑरा के बारे में हर चीज के, आप अगर पूरे न्यूमरोलॉजी नहीं पामिस्ट्री को अगर उठाएंगे, पूरा शुक्रदेव से लेके एक एक चीज तक के, उनके कलर्स तक के, उन ग्रहों के कलर्स तक के कहां से लाए? सिर्फ यही मेडिटेशन करके सारे ज्ञान को लाए हैं। थियोसोफिकल सोसाइटी जो लीड फैक्टर, जो हेलेना ब्लेवेट्स्की, एनी बेसेंट, पॉवेल, ये सब कहां से ज्ञान लाए हैं? मेडिटेशन में बैठ के मेंटल और एस्ट्रल वर्ल्ड में जाके सारे ज्ञान को बकायदा एक संजो कर बिल्कुल लाए हैं, ताकि उसको संकलित कर सके एक बुक के रूप में, और हमको दिया है वो ज्ञान। तो रामपा भी कहते हैं कि आप भी कर सकते हैं, आपको अगर अपने लिए, अपने विकास के लिए और सर्विस के लिए करना है, तो कॉन्शियसली आप करिए और आप बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा 2-3 पॉइंट बताऊंगी कि जैसे मैंने अभी आपको एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में बताया कि हम नींद में सभी लोग करते हैं, तो यदि आपका कोई
मतलब आपके फैमिली मेंबर, आपके बच्चे, आपके स्पाउस सो रहे हैं, आपको उनको उठाना, तो हमारी आदत क्या होती है हम मदर्स लोग की, मैं खुद देखी हूँ, बच्चे नहीं उठते तो मैं जोर से उनको धक्का दे देती कि बेटा उठो, ये कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय हो सकता है वो बच्चा या आपका स्पाउस कोई एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा हो, तो यदि आपने उसको झटके से उठाया तो फिर मैंने कहा ना, जैसे बॉडी अलाइन नहीं होगी तो उस दिन वो चिड़चिड़े रहेंगे, सरदर्द होएगा, तो आप कभी भी उनको ऐसे करके मत उठाइए। और यहाँ पे उन्होंने बहुत लिखा है कि जैसे हम ज्ञान व्यान तो लेते ही हैं, सब कुछ अपने मास्टर से मिलके सब लेते ही हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीजें भी बताई उन्होंने जो मुझे लगा मैं बताऊं आपको। कई बार मतलब हम खुद भी महसूस करते हैं, किसी फ्रेंड से हमारी लड़ाई हो जाती है, मान लीजिए लड़ाई कर लिए, और हम सोचते हैं कि अब इसके साथ लाइफ लॉन्ग बात नहीं करना, दैट्स इनफ, लिमिट क्रॉस हो गया, अब बात नहीं करना है। हम रात को सो गए, सवेरे उठते हैं तो हमको लगता है कहाँ इतनी भी बुरी नहीं है यार, चलो ठीक है ना, उसकी भी गलती थी तो मेरी भी तो गलती थी, वो था स्टूपिड, चलो ठीक है अपन फ्रेंडशिप कर लेते हैं, उसको भी वैसा ही महसूस होगा, आपको भी वैसा महसूस होगा। तो बोले ये क्यों होता है? तो रामपा जी कहते हैं जब हम किसी से लड़ झगड़ के जाते हैं, मतलब लड़ते झगड़ते हैं, तो हम कई बार एस्ट्रल ट्रेवल में एक एग्रीमेंट करते हैं, वहां पे हम पूरी बहस करेंगे कि तुमने ऐसा बोला, तुमने ऐसा बोला, फिर बोलेंगे चलो ठीक है ना फ्रेंडशिप कंटिन्यू करते हैं, जो हो गया भूल जाओ भूल जाओ। फिर हमारा दोनों का एग्रीमेंट होता है कि हम जब अर्थ पे जाएंगे तो इस एग्रीमेंट को याद करके रखेंगे, ठीक है, वहां पे एग्रीमेंट हो चुका, हम जब सवेरे आएंगे तो उसकी हल्की सी स्मृति हमारे पास रहेगी और हमको लगेगा चलो बात करना है, हमारी सुलह हो जाएगी और फिर हमारे जो बैर थे, जो रात को इतनी ग्रजेस थे, वो सब डिजॉल्व हो जाते, क्योंकि एस्ट्रल ट्रेवल में हमने मीटिंग कर ली थी। अब रामपा जी बोलते हैं मान लो उस दिन आप झटके से अपनी बॉडी में घुसे, किसी ने जोर से आपको उठा दिया, या आप खुद ही अलाइन नहीं हुए अच्छे से, तो जो आपने एग्रीमेंट किया था ना वो सब भूल जाए, तो आपके वहां का सारी इम्प्रिंट्स हमारे मूड पे आता है। मैं आगे आऊंगी तो आपको पता चलेगा। तो ये फ्रेंड्स का आप लोग को समझ में आ गया, आप लोग ने भी महसूस किया होगा कि नहीं किया होगा, किसी भी रिलेटिव से अपन चिढ़ जाते हैं पर सवेरे हम माफ कर देते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा करके, रामपा जी ने कहा कि सूक्ष्म शरीर कभी भी नहीं सोता है, सिर्फ हमारी फिजिकल बॉडी सोती है, पर हमारी कंडीशनिंग ऐसे की गई है कि हम हमारा फिजिकल माइंड इसको समझ ही नहीं पाता। तो प्रॉब्लम क्या होता है, ये ड्रीम्स के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अभी ड्रीम्स चैप्टर का इंक्लूड करी हूँ इसमें, कि अब हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है वो गई, बहुत सारे ज्ञान ले ली, बहुत सी चीजों को समझ भी ली, अब वो एस्ट्रल बॉडी आई और फिजिकल ब्रेन के साथ बोल रही है कि मेरे को ये ज्ञान मिला है, पर फिजिकल ब्रेन बिल्कुल अलाउ नहीं करता, नहीं 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 ये हो ही नहीं सकता, ये पृथ्वी के नियम के अनुसार हो ही नहीं सकता, ये फालतू की बातें, बहुत सी चीजें होंगी, मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी मैंने नहीं सोच के रखा है, किसी दिन बोलूंगी आपको। तो हमारा माइंड उसको मानता ही नहीं है, तो दोनों के बीच में लड़ाई होती है, कौन सा फिजिकल ब्रेन और हमारी एस्ट्रल बॉडी में। इसके कॉन्फ्लिक्ट के कारण हमारे जो नींद होती है, जैसे दोपहर रात के 3 बजे आपका एस्ट्रल ट्रेवल खत्म हो गया, आप वापस आ गए, उसके बाद आपकी कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गई आपके ब्रेन के साथ, तो बोले जो स्मृति है वो आपको फैंटेसी के रूप में या कोई नाइटमेयर्स के रूप में या किसी भी विकृत रूप में आपको दिखेगी, वो भी सपने आपके एस्ट्रल एक्सपीरियंस के डिस्टॉर्टेड फॉर्म्स है, समझ गया? तो वो हमारी जो कंडीशनिंग की गई है उसके कारण हम उसके ज्ञान को नहीं ले पाते और रोज हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमारे पास कई बार नाइटमेयर्स आते हैं। यहाँ फिर मैं पॉवेल का एक बहुत अच्छा एक चीज बताना चाहूंगी, उसने कहा कि रात को सोते समय बहुत कोशिश करिए कि आप बहुत अच्छे विचार के साथ सोएं, अगर किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं या कोई जेलसी फील कर रहे हैं तो रात के टाइम में जब आप सो जाएंगे तो टॉरकॉम ने तो बोला आपकी ऑरा डिस्ट्रॉय होगी, क्योंकि आपकी वो मेंटल फिजिकल बॉडी में वो सब थॉट्स और इमोशन जाएंगे। पॉवेल बोलता है कि उससे रिलेटेड आपके बहुत सारे एवल्स और क्रीचर्स भी आपके नींद में आएंगे, जो हमको नाइटमेयर्स वगैरह दिखते हैं ना उसके कारण।
तो आपकी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव सोच के ही सोएं, और किसी ने गलत भी किया है तो फॉरगिव कर दे, जैसे जीसस ने भी कहा है कि सूर्यास्त के पहले आप सभी को माफ कर दे, तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा करके कि हमको इसीलिए एस्ट्रल बॉडी इतने ज्ञान लेके आती है, हमारे को लाभ इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हमारा ब्रेन उसको अलाउ नहीं करता और हम उसको याद नहीं रख पाते क्योंकि ब्रेन ही अलाउ नहीं कर रहा है। तो आपको कॉन्शियसली करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप कई बार जैसे सपने और एस्ट्रल ट्रेवल में फर्क क्या है, आपको किसी व्यक्ति की छाप याद रहेगी या कोई चटक रंग या कोई ऐसी म्यूजिक जो आप सुने, इससे आप ड्रीम से आप डिफरेंट कर सकते हो। ड्रीम्स में आप जैसे खुद ही जानते हैं हमारी जो अधूरी इच्छाएं होती हैं, जो व्यर्थ की बातें रहती है, वो हमारे ड्रीम्स के रूप में आती है, तो आपको डिफरेंस करना आना चाहिए। मैं अपने भी एक्सपीरियंस बताऊंगी। तो उन्होंने कहा कि कई बार हम लोग बहुत चिड़चिड़े उठते हैं, कई बार जबकि रात को अच्छे से सब कुछ अच्छा था, फिर सवेरे हम क्यों चिड़चिड़े उठते हैं। तो वो कहा कि कई बार हम बहुत सुंदर जगहों पे जाते हैं, इतनी सुंदर, इतने आनंद से अपने सारे रिलेटिव से मिलते हैं, अपने डिपार्टेड मम्मी पापा सबसे मिल लिए, बहुत प्यारे से उनसे बातें करे, सब कुछ करे, जब हमारी आंखें खुलती हैं तो उसकी हल्की सी छाप हमारे मन में रहती है कि उफ, फिर वही पृथ्वी, फिर यहाँ पे वही पीड़ा, वही निगेटिविटी और वही श्रम। तो कहीं वो हल्की सी जो याद है आपको, वो आपको चिड़चिड़ा महसूस कराती है, जबकि आप रात को बहुत अच्छे से सोए थे, तो आपके एस्ट्रल ट्रैवल के कारण है। फिर कई लोग जो बहुत बुरे काम करते हैं, जैसे फाइनेंसर हैं, जमींदार हैं, जो ब्याज पे बहुत पैसे का एक्सप्लॉइटेशन वगैरह करते हैं लोगों को, जो भी गलत काम करते हैं, वो जब एस्ट्रल ट्रैवल में जाते हैं तो एस्ट्रल ट्रैवल में अपने मास्टर्स लोगों से मिलके जब देखते हैं कि मैं पृथ्वी पर पैसा कमाने गया था पर मैं बुरा काम नहीं करने गया था, तो उनको रियलाइज होता है कि हम पृथ्वी पर गलत काम कर रहे हैं, अपने में शर्मिंदा होते हैं, वो संकल्प लेते हैं कि अब मैं पृथ्वी पर जाके अच्छा काम करूंगा। और बिल्कुल ये जो ठगना है या जो जालसाजी वगैरह करते हैं जो भी, वो नहीं करूंगा, और ब्याज व्याज का पैसा मैं नहीं लूटूंगा गरीबों से और मैं अच्छा करूंगा। तो जब वो सवेरे आते हैं अपना एस्ट्रल ट्रेवल करके, वहां पे तो संकल्प भी ले लिए, क्योंकि रामपा कहते हैं कि मैं रोज हजारों लोगों के एस्ट्रल बॉडी से मिलता हूँ, कई बार उन्होंने जिक्र किया है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा, तो बोले वो बकायदा संकल्प लेके पृथ्वी पर आएंगे, सवेरे जब उठेंगे तो हल्की सी स्मृति रहेगी पर वो भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में, अंदर में गिल्ट है, वहां का गिल्ट है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर कॉन्शियसली नहीं जान सकते कि वो गिल्ट क्या है, तो वो सवेरे समझ नहीं पाते क्या हो गया। तो वो जब चिड़चिड़े उठेंगे तो वो कई घंटों तक चिड़चिड़े रहेंगे, नौकरों पे चिल्लाते रहेंगे, जबकि रात को उन्होंने ये सोचा था कि मैं अच्छा काम करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी होता है कि वहां पर हम रियलाइज करते हैं अपनी गलती को, पर यहाँ पे आके हम कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन में होता, क्योंकि मन अलाउ नहीं करता है सही चीजों को याद रखने का। जैसे सोमवार की सुबह कई लोग को उदास लगता होगा, मैं जब तक कि मेडिटेशन नहीं करती थी ना फ्रेंड्स, तब तक कि मेरे को हर मंडे को इतनी मनहूसियत लगती थी, और मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि मंडे क्यों लगता है। तो फिर मेरे को किसी ने बोला कि वो स्कूल का जो अपना सबकॉन्शियस वाला माइंड है ना, कि मंडे से फिर स्कूल चालू होता है, फिर संडे को ऑफ रहता है, इसके लिए होता है। तो मेरे को लगा कि मेरे तो स्कूल कब के जमाने से, मेरे कॉलेज खत्म हो गया, मेरी मैरिज को इतना टाइम हो गया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से ये हटा नहीं है मंडे मॉर्निंग ब्लूज, छोड़ दी मैंने। जब मैंने रामपा की बुक को पढ़ा तब मुझे मालूम चला कि ये मोस्टली लोगों, आप लोग को भी होता है मंडे को, कई लोगों को जो मेडिटेशन करता है अब उनको नहीं होता होगा, मंडे मॉर्निंग ब्लूज करके उन्होंने कहा है कि सोमवार को अक्सर लोगों को बहुत उदास लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वीकेंड में हम आराम से सोते हैं, कोई सवेरे जल्दी उठना नहीं रहता हमको, हमको मालूम है कि हम आराम से उठेंगे, 8 बजे भी उठे, 9 बजे भी उठे, है ना, मंडे फियर जो भी है। तो हम क्या करते हैं, जब वीकेंड में सोते हैं सवेरे उठने का कोई टेंशन नहीं, कोई अलार्म अलार्म नहीं बजेंगे, कल तो आराम से उठना है बस वो। हाँ, जॉब वालों को मंडे बहुत डिफिकल्ट लगता है, मैंने बहुत से वो भी पढ़े हैं मैसेजेस, आई हेट मंडेज, आई पता नहीं क्या क्या,
तो जब ये मैंने हम्पा की बुक पढ़ी ना तब मुझे समझ में आ गया। तो आप भी ध्यान से सुनिए, आपको भी समझ में आएगा कि क्यों हम लोग मंडे से इतनी नफरत करते हैं। वीकेंड में हम जब फुर्सत से सोते हैं कि अब सवेरे जल्दी नहीं उठना है, तो हम बहुत दूर तक के ट्रैवल करते हैं। रामपा जी कहते हैं कि इस लोक से भी कहीं कहीं दूसरे लोकों में, दूसरी जगहों पर जाके आप बहुत इंजॉय करते हैं। इंजॉय का मतलब आप पार्टीज भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ मिलके कोई सिंगापुर और बैंकॉक जा सकते हैं, एफिल टावर जाके देख सकते हैं। ये लंबी लंबी यात्राएं करते हैं कई कई घंटों की। अब जब मंडे को हम सुबह के टाइम में जब हम वापस आते हैं, उस समय सबसे ज्यादा हमको दुख लगता है, क्योंकि हमारी एस्ट्रल बॉडी जानती है कि अब ये फिर से ऐसा वीकेंड मुझे एक हफ्ते के बाद मिलेगा। अभी फिर पूरा हफ्ता वही मोनोटोनस, वही काम करना, वही सोना, वही खाना बनाना, वही सब करना। तो हम वो एक हफ्ते के उस पीरियड का वेट करते हैं, वेट कर करना पड़ता है। तो वो जो पीड़ा होती है ना हमारी एस्ट्रल बॉडी को कि कितना एंजॉय किया ऐसा नेक्स्ट वीक, उसके लिए हर मंडे को मोस्टली नहीं तो आप कॉलेज जाना पड़ता है, वो तो आपका है, परंतु जो नहीं जा रहा है उनके लिए आप सोचिए ना। क्योंकि हम सभी लोग वीकेंड में बहुत एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, तो इसके लिए भी लगता है। और उन्होंने कहा है कि नींद बहुत आवश्यक है, और नींद आपके अपने हायर सेल्फ से आपको जोड़ती है। यदि किसी को भी कोई क्वेश्चन रहता है तो मेरे से जैसे पूछते, तो मैं कई बार बोलती हूँ कि आप नींद में वो क्वेश्चन को बोल के, सिर्फ एक बार, बहरा नहीं है हमारा हायर सेल्फ, एकदम इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, सिर्फ एक बार अपने दिल पे हाथ रख के उस हायर सेल्फ से आप पूछिए कि मेरे को इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, मुझे क्लियर कर दीजिए। आप सो जाइए, सिर्फ एक बार बोलना है, सवेरे आपको आंसर मिलेगा। अच्छा, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ, आप रात को उस प्रॉब्लम को सोचते हुए सो गए, बोला भी नहीं आपने हायर सेल्फ को, आप सोचते हुए सो गए, सवेरे आप उठते साथ ही अपने फैमिली को बोलते हैं कि मुझे आइडिया आया, इसका ये सॉल्यूशन करते हैं। आप लोगों को हुआ ऐसा? सवेरे अचानक आपके पास एक सॉल्यूशन आ जाता है जो आपने रात को इतना दिमाग लगाने के बाद भी नहीं सोचा था, है ना? यस यस यस। तो क्यों आता है? क्योंकि हम उस समय अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, हमारे मास्टर्स लोगों से हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, हमको गाइडेंस मिलता है कि आपको ये करना चाहिए। और मंडे को लगता है कि ये मेरा आइडिया, तो हमारा आइडिया नहीं है, वो हमारे मास्टर्स, हमारे हायर सेल्फ, कोई भी हो, हमको उनसे गाइडेंस मिलता है। तो आप बिल्कुल सोइए। पॉवेल ने एक बहुत अच्छी चीज लिखी, मैं जो आज बताना थी, जिसको सुन के ना पढ़ के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। अभी क्या हो रहा है कि कुछ समय से मैं रागिनी से भी बात कर रही थी कि मेरी नींद बहुत बढ़ गई है, पता नहीं क्यों मैं इतनी लेजी क्यों हो गई हूँ। मतलब पहले 5 hours मेरे लिए सफिशियंट होती थी, पर आजकल 6 hours से कम मुझे नहीं, आंखें नहीं खोलते बनता है, नींद ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा मैं बता रही थी, और वो भी कह रही थी यस यस। तो आज पॉवेल ने बहुत अच्छा चीज लिखा कि जो मास्टर्स के लिए काम करते हैं, जो भी सर्विस में हैं और मास्टर्स के लिए काम करते हैं, तो वो जो नींद है, उनको कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो नींद में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो ब्लैंक नहीं है। आप उस समय कोई ना कोई जाके कुछ ना कुछ चीज सीख रहे हैं या कुछ चीज सिखा रहे हैं। तो आप बिल्कुल बेफिक्र, तो मैं बिल्कुल खुश हो गई कि ठीक है, कुछ तो कुछ तो मैं अच्छा कर रही हूँ एस्ट्रल वर्ल्ड में। क्या है, 5 घंटे के बजाय 6 घंटा नींद ले लिए, क्या बुरा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, एस्ट्रल ट्रेवल में आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड भी देख पाते हैं, अपने आकाशिक रिकॉर्ड को देख के अपने प्री बर्थ प्लानिंग को और अपने कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं वो सब देख सकते हैं। कई बार हम लोग वापस आते हैं, कई लोग आकाशिक रिकॉर्ड पूरा याद करके बताते हैं, कई लोगों की स्मृति डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, चाहे आकाशिक रिकॉर्ड देखना हो, चाहे एस्ट्रल ट्रेवल करना हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, पूरे समय उन्होंने प्रैक्टिस पे जोर दिया है। अब फ्रेंड, जैसे उन्होंने कहा, रामपा जी ने इतना सुंदर, मुझे वो सीन याद आया, मैं बताना भूल गई आपको,
कि जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे, अपनी कॉर्ड को बिल्कुल जुड़े हुए देखेंगे, सिल्वर कॉर्ड आपके नाभि से, आपकी फिजिकल बॉडी की नाभि से जुड़ी हुई है और आप ऊपर 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 जाते जा रहे हैं, तो उसका डायमीटर चेंज नहीं होएगा, वो वैसा का वैसा रहेगा, पर वो खिंचते जाएंगे, आप रूम के बाहर भी ऊपर चले जाएंगे, फिर आप रोड पे पहुंच जाएंगे, तब आपको पूरे आकाश में नीले रंग की कॉर्ड्स दिखेंगी। मैं विजुलाइज कर रही थी कि देखिए अगर मेरे ही इस एरिया में 500 के अबाउ घर है तो कितने मेंबर्स होंगे, तो फिर सभी लोग रात को, मोस्टली टाइमिंग्स तो आगे पीछे होता होगा, पर फिर भी वो पूरी जो कॉर्ड्स जाती होंगी, मतलब सब कॉर्ड्स के द्वारा वो लाइट एस्ट्रल बॉडी निकलती है, तो उन्होंने कहा पूरा आकाश कॉर्ड से भर जाता है, सभी जाते हैं। और जब सुबह होती है, जब आप वापस आएंगे अपने घर में, तब आप देखेंगे कि सारी कॉर्ड्स फिर से, हाँ बिल्कुल, और ब्लू कलर की वो कॉर्ड्स वापस आ रही है, सब अपने अपने घरों में उतर रही है। मैं इमेजिन करी थी कितना अच्छा लगता होगा ये सीन को देखना। कॉन्शियसली करना चाहिए, मैंने इसलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरे में फियर अभी बहुत है, मैंने एक दो बार ट्राई किया और डर के मारे नहीं करी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पावेल का ही आपको बताने वाली थी, परंतु अब उसके पूरे, हाँ उन्होंने ये भी कहा पावेल ने, अभी रामपा जी का थोड़ा साइड में रखते हैं, पावेल जी ने कहा कि जब आप रात को सोते हैं तो आप बहुत अच्छी एक विश करके सोइए कि आज जब मैं रात को सोऊंगी, टेस्ट ट्रेवल तो रोज करते हैं, मैं किसी ऐसे फ्रेंड के पास जाऊंगी जो वीक है, जो कमजोर है और बीमार है, उसको स्ट्रेंथ दे के आऊंगी, किसी को मैं मेडिटेशन सिखा के आऊंगी, बच्चों को मैं कोई कहानी सुना के उनको हील करके आऊंगी, कोई गुस्सैल आपका रिलेटिव है तो उसको याद करके सोचिए कि मैं उसको काम डाउन करना सिखाऊंगी। अच्छे अच्छे आप इंटेंशन को लेकर आप सोच आइए, उसमें से बहुत सारी चीजें आप फलीभूत करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे और बकायदा एस्ट्रल ट्रेवल में वो सब चीजें करेंगे। हाँ बिल्कुल एंटेंगल नहीं होती है क्योंकि वो कोई फिजिकल नहीं है, ये एंटेंगलमेंट कब होगा, जब कोई चीज फिजिकल होगी, है ना, तब कटेगा। वो हाई वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स है जब हमारी बॉडी के अंदर है, तो आप सोचिए ना कहाँ हो रहा है। अभी मैंने आप लोगों को डिटेल में नहीं बताया, उन्होंने कहा जब आप एस्ट्रल ट्रेवल करेंगे, जब आप एस्ट्रल बॉडी आप पहली बार निकालेंगे, तो आप अपने कमरे के ऊपर जाइए और अपने कमरे के ऊपर में, जहाँ पे धूल आपकी मेड नहीं साफ कर पाती है, वहां पे जाइए और उसको छूने की कोशिश करिए। तो आप छुएंगे तो जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, है ना, तो आपकी उंगली उसके अंदर से चली जाएगी क्योंकि वो लाइट बॉडी है, एनर्जी बॉडी है सर। तभी तो हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो दीवार, किसी भी छत से, कहीं से भी आप पार कर सकते हैं। सीमेंटेड वॉल को सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं पार कर सकती, बाकी हर बॉडी पार कर सकती है। तो कोई एंटेंगल नहीं होगा, कोई ट्रैफिक नहीं रहेगा, आप बिल्कुल बेफिक्रे रहिए। और मैं अपने एग्जाम्पल बाद में बताऊंगी, मैं सिर्फ आप लोगों को ये एस्ट्रल ट्रैवल यहीं पे एंड करूंगी रामपा का, कि आप कर सकते हैं। आपको यदि रात को बहुत ही क्लियर सपने आ रहे हैं, क्योंकि अब मुझे आने लग गए हैं बहुत क्लियर, तो बस मुझे भी एक डायरी बनानी है। मैं डायरी रोज सोचती हूँ, लेके सोऊंगी पर सो नहीं पाती, तो रोज आप अपनी डायरी में तुरंत लिखिए। तो और हम कहते हैं कि आपकी बनने चाहिए, बिल्कुल बैठ के बगल में आप अपनी पेन और कॉपी को रखें, जो भी आप सवेरे देखें आप तुरंत लिखें उसको, क्योंकि विद इन 2 मिनट्स वो आपके दिमाग से वैनिश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो उन्होंने जीवित रहने का हमको रामपा जी ने बताया। जब हमारी डेथ होती है, वो हमारी एक डेथ नहीं होती। अगर किसी ने 7 बॉडीज देखा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमारी 3 डेथ होती है, फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल। फिजिकल डेथ में हम अपने शरीर को छोड़ते हैं, एथरिक बॉडी यही रह जाती है, धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाती है। फिर हम एस्ट्रल बॉडी में, एस्ट्रल बॉडी के द्वारा आगे ट्रेवल करते हैं, हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, 7 सब प्लेन्स हैं, हम वहां पे जो भी हमको सीखना होगा, अपने इमोशन के द्वारा फंसना होगा। मैंने आप लोग को ल्यूमिनस लैंडस्केप ऑफ आफ्टर लाइफ में मैंने काफी डिटेल में बताया है कि अगर निगेटिव इमोशन वाले हैं
तो वो वहां पर बहुत टाइम तक रहेंगे। टॉरकॉम कहता है कि एस्ट्रल वर्ल्ड में इजोटेरिक रिकॉर्ड्स हैं कि एस्ट्रल वर्ल्ड में लाखों करोड़ों आत्माएं आज भी बैठी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने फॉरगिवनेस का पाठ नहीं पढ़ा है। इतना डरावना होता है क्योंकि वहां पे आपका थॉट बनता है, थॉट आपका मैनिफेस्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी को, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल, किसी को किसी से बहुत नफरत है और वो इंसान चला गया अपने एस्ट्रल वर्ल्ड में, तो वहां पर नफरत बराबर है क्योंकि वो चाहे जिंदा रहे, चाहे जिंदा रहे चाहे मर गया हो, इसका मतलब नहीं। जो नफरत कर रहा है वो चला गया अपनी निगेटिव थॉट के साथ, तो वहां पर वो क्या विजुलाइज करेगा, क्या महसूस करेगा, उससे नफरत। तो ये चाहे जिंदा रहे उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा, ये वहां पर उसको मर्डर करेगा और सोचेगा कि मैंने मर्डर कर दिया। दूसरे दिन फिर उसकी बॉडी उसके सामने आ जाएगी, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी में कोई डेथ नहीं होगी, वो सिर्फ मर्डर करेगा। वो एक नाइटमेयर के समान है, मतलब बोलते हैं, टॉरकॉम बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत रिसर्च किया इन सब में, कि हजारों बार मरने के बाद भी वो आपकी नफरत करने वाला इंसान खड़ा हो जाता है। वो इतना नाइटमेयर, इतना दुखदायी होता है उस आत्मा के लिए कि उसको सीखना ही पड़ता है फॉरगिवनेस वहां पर, फिर वो आगे बढ़ सकती, क्योंकि मेंटल वर्ल्ड में तो प्रवेश ही नहीं है। और कई बार तो मेंटल वर्ल्ड के बगैर जाए एस्ट्रल वर्ल्ड से ही किक मार के अर्थ में भेज देते हैं। जब मैं आपको रीइंकार्नेशन बताऊंगी तो बताऊंगी, कई लोग को तो मालूम भी नहीं रहता, नींद नींद में उनको पृथ्वी पे भेज देते कि जाओ बेटा अब तुम्हारा प्रिंट आउट निकल गया है, ऐसा भी होता है ना। हर एक कोई प्री बर्थ प्लानिंग नहीं बनाता है, हर सोल नहीं बनाती है, जो अच्छे लोग हैं और खासकर हम जो मेडिटेटर है वो प्री बर्थ प्लानिंग बनाते हैं, पूरा प्लान वैन लेके आते हैं। तो एस्ट्रल बॉडी, एस्ट्रल वहां पे इमोशन अपने हील करेंगे, कुछ लर्न करेंगे और फिर हम अपनी एस्ट्रल बॉडी को छोड़कर हम मेंटल बॉडी के व्हीकल के रूप में आगे की तरफ चले बैठेंगे। अब वो जो एस्ट्रल बॉडी हमने छोड़ दिया, एस्ट्रल डेथ हुई, अब वो छोड़ दिया, अब वो डिकम्पोज होती है। इसलिए मैंने आप लोग को बताया, क्योंकि जो आगे बुक हम समझेंगे उसमें पूरे समय इसके बारे में जिक्र रहेगा। जो डेड बॉडीज हम छोड़ के जाते हैं वहां पर, जो हाई वॉल सोल्स हैं, वो जैसे जाएंगी मेंटल वर्ल्ड में बहुत कम टाइम रहेंगी, एस्ट्रल वर्ल्ड में वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, थोड़ी देर रहेंगी एस्ट्रल वर्ल्ड में कुछ एक समय, उसके बाद वो अपनी एस्ट्रल बॉडी को छोड़ के चली जाएंगी और उनकी एस्ट्रल बॉडी तुरंत बर्न हो जाएगी, कोई भी उसका कोई रोल नहीं रहेगा और वो जल जाएंगे। अब जो नेगेटिव वाला है, जो नॉन फॉरगिवनेस वाला है, जिसकी वासनाएं हैं, चाहे सेक्स में हो, चाहे भूख भोजन में हो, चाहे मटेरियलिस्टिक चीजों में हो, चाहे ग्रीड हो, लस्ट हो, कुछ कुछ भी हो, जितने नेगेटिव इमोशन वाली आत्माएं हैं उनकी जो एस्ट्रल कॉर्प्स रहती हैं, उनकी जो लाशें रहती हैं, वो कई कई टाइम तक के रहती हैं और वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं अर्थ में। ये पूरे चैप्टर को समझाने का उद्देश्य मेरा ये था। इसको पॉवेल ने शेल कहा है, शेड का है, शेड का है, जो एस्ट्रल बॉडी चली गई और लाशें पड़ी। अब हमारी एस्ट्रल बॉडी वहीं रह गई, हम मेंटल बॉडी में जाते हैं। अब मेंटल बॉडी वहां पर अपने जो थॉट फॉर्म के रहते हैं, थॉट्स के बने रहते हैं, और सिर्फ उन्हीं के विकसित होंगे जो अच्छे विचार करते हैं, कल्याणकारी विचार करते हैं, पॉजिटिव विचार करते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञान लेते हैं, उन सबकी ही मेंटल बॉडी बनती है। ज्ञान हम जो ये रोज सज्जन सांगत्य ले रहे हैं, वो सब ज्ञान हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे में जा रहा है और जाना भी चाहिए, क्योंकि आगे फिर बताऊंगी। तो अब मेंटल बॉडी में हम जब जाते हैं, मेंटल वर्ल्ड में हम सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं पॉजिटिव वर्ल्ड में मेंटल बॉडी को छोड़ के। मेंटल बॉडी भी बहुत टाइम से जल्दी चली जाती है, कुछ एक की कुछ मैजिशियन और कुछ कुछ रहती हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी, उस समय उनकी मेंटल बॉडी थोड़ा सा टाइम लेती है, नहीं तो मोस्टली आगे चली जाती है और हम फिर रीबर्थ लेते हैं। हम सिर्फ तीन डेथ के बारे में जानते हैं, पर टॉरकॉम कहता है अदर वर्ल्ड्स में फाइव डेथ होती है। यहाँ के बाद
कॉजल वर्ड को वो 40 वर्ड यूज करते हैं, 40 40 करके बोलते हैं, CHALICE, जो हमारा सहस्त्रार है ना, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो भी काम आएगा आपको, जो सहस्त्रार है हमारा, हजार सहस्त्र दलों का जो है हमारा समझ को, वो लोटस, उसको 40 बोलते हैं, वो उसको पॉइजन वर्ल्ड भी बोलते हैं। फिर वहां पर वो आत्मा अपने उस कारण शरीर के 40 को, जिसमें ज्ञान था, जिसमें जो भी उसने इकट्ठा किया था पूरी जिंदगी भर में भी, उसने पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तब जाके वो लिबरेशन में जाती है, जहां हम जिसको हम कहते हैं महाकारण शरीर, तो यहाँ पे टॉर्कम कहते हैं इंट्यूशनल प्लेन में प्रवेश करती है। तो आप उत्तम सोचिए, सिर्फ ये चौथा डेथ आप समझ लीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक और डेथ होती है प्लेनेटरी डेथ, जो भी हमारी 7 बॉडीज हमने बनाई है, प्लेनेटरी डेथ हो पूरे 7 बॉडीज की कुछ होती होगी उसके बाद, वो मुझे भी नहीं समझ में आया, सिर्फ इतना ही लिखा है। और उसके बाद हमारी जो सोल है वो कॉस्मिक एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है, जिसको डिवाइन प्लेन कहते हैं। तो टॉर्कम ने ये 5 डेथ बताई, पर हम अभी फिलहाल समझने के लिए सिर्फ 3 डेथ को ही समझेंगे, फिजिकल, एस्ट्रल और मेंटल, वो हमारा मेन है जहाँ पे हमारा काम रहता है। और कॉजल वर्ल्ड में हमारे आकाशिक रिकॉर्ड है, जहां से हम प्री बर्थ प्लानिंग करके आते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया एस्ट्रल ट्रेवल के बारे में, और जो लाशें पड़ी हुई हैं एस्ट्रल वर्ल्ड की, उनसे भी बहुत बड़ा खेल खेला जाता है और अभी खेला जा रहा है। तो अब हम उसको 2 जून को जानेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी एस्ट्रल ट्रेवल की, और आप भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं। जब मैं मेडिटेशन करना शुरू करी थी, तब मैं नॉनवेज खाती थी, और नॉनवेज कम खाती थी, एग मैं डेली खाती थी। मैं ओशो को सुनती थी, मुझे बस इतना मालूम था कि कुछ बॉडी होती है, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, कुछ कुछ थोड़ा बहुत जानती थी। मेरे को मेडिटेशन के समय हमेशा एक झटका लगता था, और जब 1-1.5 घंटा हो जाता था तो फिर एक झटका लगता था, मैं समझ नहीं पाती थी। फिर जब मैं PSSM से जुड़ी तो मुझे मालूम चला कि ये एस्ट्रल बॉडी है, क्योंकि ओशो नहीं बताते हैं एस्ट्रल बॉडी वगैरह। और पतंजलि भी मैंने पढ़ा था, तो पतंजलि में भी कोई ऐसा जिक्र नहीं था कि मैं समझ सकूं। तो मुझे जो भी नॉलेज मिला वो PSSM में ही मिला। मैं बहुत ग्रैटिट्यूड हूँ अपने प्यारे से पत्री सर का, कि आज इतना मैं जो समझ रही हूँ अपने लाइफ को, वो सिर्फ PSSM के कारण है। तो फिर मैंने पत्री सर से जब मैं मिली, तो पत्री सर के गुस्से के कारण बहुत जोरदार डांट पड़ी थी नॉनवेज के लिए। तो मैंने उसी दिन कसम खा लिया कि जब तक मेरी लास्ट ब्रेथ रहेगी मेरे घर में मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगी, मैंने ये कसम ले ली थी। और मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, और फिर तुरंत उसके बाद मैं उनके साथ हैदराबाद, बैंगलोर, इधर उधर चली गई। और फिर 9 दिन के बाद जब लौटी, तो यहाँ पे मैंने आके 9 दिन के बाद नोट किया, जब तक 15 दिन हो चुके थे सर से मिले हुए, 15 दिन हो चुके थे मुझे नॉनवेज छोड़े हुए, और 9 दिन और, मतलब 21 डेज करीब उससे ऊपर ही हो गए थे मेरे। जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने सबसे पहले मार्क किया कि बॉडी तो अब भी निकल रही है मेरी एस्ट्रल, पर मुझे झटके नहीं लग रहे थे। मतलब जब कोई चीज आपसे निकलती है ना, तो आप जर्क नहीं आता, बस एक फील होता है कि आप चले गए, आप कहीं जा रहे हो, आपको नहीं मालूम कि आप कहाँ जा रहे हैं। और जब वो आता था बॉडी, तो मैं मेडिटेशन में समझ रही हूँ, बस एक झटका भी नहीं बोलते उसको, एक कोई चीज प्रवेश कर दे, तो मैं समझ जाती थी कि मेरी एस्ट्रल बॉडी वापस आ गई। कई सालों तक ये चला, सारे चक्रास खुले, जो जो चक्रा खुलते गया मुझे हर चीज का नॉलेज होते गया, मेरी कुंडली से लेके हर चीज का नॉलेज होते गया। अब जब मुझे अब बोला चाहिए, 2 साल से हम ज्यादा भी एक्टिव हो गए हैं अपने सर्विस में, ज्यादा बुक्स पढ़ने में, सब कुछ में, तो अब मेरे को ड्रीम्स काफी कुछ कुछ याद होने लग गए हैं। और दूसरी चीज, जैसे मैंने कहा कि आकाशिक रिकॉर्ड भी देखते हैं, कई चीजें हमको भविष्य की मालूम चल जाती है। मैंने अपने ब्रदर की डेथ को बहुत पहले देख लिया था, करीब 40 डेज पहले देख लिया था, क्योंकि मैं मेडिटेशन में बैठी थी, हमारा सेंटर चल रहा था, और मैं ट्रांस में थी बिल्कुल, मुझे मालूम नहीं था कि मैं हूं। बस मुझे 1 सेकेंड के लिए अपने ब्रदर का एक फोटो दिखाई दिया, फ्रेम किया हुआ, जैसे हम डेथ के बाद जब हम किसी का फोटो फ्रेम कराते हैं,
वैसा फ्रेम किया हुआ मुझे दिखाई दिया, पर अधूरा, आधा, सिर्फ इतना पोर्शन उनका चेहरा दिखाई दे रहा था बस। पर उस दिन मंडे की रात थी और मैं ट्यूजडे को मेरी ड्यूटी लगती थी सेंटर में बैठने की, जो भी हमारा डेज रहते थे। तो मैं जब मेडिटेशन से उठी तो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया, क्योंकि रोज रोज एक्सपीरियंस थोड़ी बताते हैं अपने हस्बैंड को डेली का। तो मैंने सोचा कि कल ट्यूजडे, कल मेरा सेंटर में ड्यूटी है, वेनसडे को मैं भैया से जाके मिलूंगी, देखती हूँ क्या हुआ। और मैं भूल गई, क्योंकि हम भूल जाते हैं अपने उसको। और वेनसडे की सवेरे वो हॉस्पिटलाइज हो गए और फिर कभी वो वापस नहीं आए। वहीं से वो बॉम्बे गए, बॉम्बे से वो वापस नहीं आए। तो जैसे मुझे दो दिन के बाद याद आया कि मेरे ब्रदर का मैंने देखा है, तो मैंने तुरंत फोन लगाया तो भाभी ने बताया हॉस्पिटलाइज है। और उसी दिन मैं समझ गई थी कि अब वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने एक्चुअली देख लिया है। तो कई बार हमको एक ग्लिम्सेस के रूप में भी हमारे जो सिबलिंग के हैं या हमारे से जो क्लोज हैं उनके दिखते हैं। मेरा जब ग्रैंडसन पैदा होने वाला था, मेरी बेटी को सिर्फ 2 months या 3 months हुए थे प्रेग्नेंट को, बस हम किसी को बता भी नहीं रहे थे कि प्रेग्नेंट है। और एक दिन मैं लेटे लेटे ही मेडिटेशन कर रही थी अपने बेड पर, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने बहुत अच्छे से एक छोटे से बच्चे को पिंक कलर की शर्ट और ब्लू जीन्स में अपने बेड के मेरे पैरों के पास खड़े हुए देखा। और मैं उस समय भी ट्रांस में थी, पर सो ही नहीं थी, क्योंकि मैं सोती हूँ तो मुझे मालूम रहता है, मैं ट्रांस में रहती तो मुझे मालूम रहता है, क्योंकि मैं एनर्जी फील करती हूँ उस समय। तो बच्चे को मैंने देखा, 2.5 साल का बच्चा था और बहुत प्यारा सा, उसके छोटे छोटे बाल कटे हुए हैं। अभी मेरे ग्रैंडसन से मुझे याद नहीं है कि सेम था कि नहीं, पर एक बच्चा था। और मैंने बिल्कुल अपनी डॉटर को फोन लगाया और मैंने कहा कि मेरे से बैट लगा ले, देखो बेटा आने वाला है और मैंने अभी अभी उसको देखा है, मुझसे बहुत लोगों ने बैट लगाई और मेरा छोटा सा ग्रैंडसन आ गया। अब ये तो जस्ट पार्ट ऑफ एक एक्सपीरियंस का है। अभी जैसे मुझे होता है, मैं रोज जब मेडिटेशन में बैठती हूँ तो कई बार मुझे याद रहता है कुछ कि मुझे कुछ सिखाया जा रहा है और मैं समझ रही हूँ। उस समय मैं समझते रहती हूँ, मेरे को आश्चर्य लगता है कि मैं नो माइंड स्टेट में हूं कि ट्रांस स्टेट में हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम। क्योंकि ट्रांस स्टेट में तो आप रहते ही नहीं हो ना, आप तो गुम हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं रहता कि आप कहां हो। पर वहां मैं रहती हूँ, मुझे कोई चीज पढ़ाई जाती है और मैं समझती हूँ, और उसके बाद मेरा ट्रांस टूट जाता है और मैं समझ जाती हूँ कि मैं बैठी हूँ मेडिटेशन में, क्योंकि एनर्जी, उसके बाद एनर्जी का इंटेंसिटी मेरी बहुत बढ़ जाती है। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद ध्यान को तोड़ के बाहर आ जाती हूँ। अब मुझे याद करते करते, मतलब 25 बार मैंने सोचा होगा कि मुझे क्या पढ़ाया जा रहा था, मुझे कुछ भी याद नहीं होता। लास्ट वाला मुझे याद है, मेरी एक फ्रेंड से मेरी बहस हो गई थी कर्म के ऊपर और मैं गुस्से में बात नहीं करी और छोड़ दी और मैं सो गई, सोई नहीं, मेडिटेशन करने बैठी। मेडिटेशन में कोई मास्टर मुझे बकायदा बता रहे हैं कि यहाँ पे जीरो कर्मा है, यहाँ पर कर्मा है, यहाँ जीरो है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। और मैं बिल्कुल समझ रही हूँ और शायद मेरी मुंडी भी हिल रही है, यस 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 आई अंडरस्टैंड मैं बोलते जा रही हूँ। और उसी समय मेरा ट्रांस टूटा और कौन पढ़ा रहा था, कौन बता रहा था, पचरी सर थे कि कोई दूसरे मास्टर से, मुझे कुछ नहीं पता। बस वो कर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसको वो मुझे समझाया जा रहा था। तो मुझे इतना अच्छा लगा, उसके बाद दो दिन तो मैं भूल गई। और आज से मैं वाकई अपनी डायरी रखूंगी, क्योंकि हमको बहुत हम लाइटली लेते हैं अपने एस्ट्रल ट्रैवल को। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ नीता मैडम को समझाते हैं, ऐसा मत सोचना कि मेरे पंख लगे, मैं कोई महान आत्मा हूं। नहीं बाबा, मैं और आप सब सेम हैं। हम सबको हमारे मास्टर्स आके समझाते हैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स, हमारे दूसरे प्रॉब्लम्स या कुछ और, हमको मोटिवेट इंस्पायर्ड करने के लिए बहुत सी चीजें करते हैं। तो आप भी अपनी एक डायरी और एक पेन अपने बेड के पास रखिए, मेडिटेशन के बगल में रखिए और सोचिए। तो अब जब मैंने फिर से आप लोग को एस्ट्रल ट्रेवल बताया है, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी मुझे अपनी एस्ट्रल बॉडी पर बहुत शुद्धिकरण करनी है, अपने इमोशन के ऊपर काम करना है, अपने और पे भी काम करना है। फिर मैं कभी कभी अपने मन को सहला लेती हूँ कि अभी सिर्फ 8 years हुए हैं मेरे नॉनवेज को छोड़े हुए, और टॉर्कॉम में तो कहा है 10 years लगते हैं।
शायद 10 ईयर्स के बाद मेरा फ्रूटफुल हो, मतलब मुझे याद रहे, फिर मैं आप लोग को एक्सपीरियंस बताऊं, है ना। पर चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।